देखकर तुमको एक काम करना होगा। सारे उम्र बताइए कहीं सारी तो नहीं जादू करने काले संविधान क्यों लिखिए कैसे। अरे बोलो यार काल लगे आपको लिखना पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद ने कहा अब तुम लिखो ऐसा संविधान लिखो जो भारत में ना हो अब जिस में ना हो। काले ठीक है सर कोशिश करेंगे अनिवार्य जिम्मेदारी कैसे लेंगे कोशिश करेंगे। काले अनुमति दीजिए सहमति पत्र हमको दीजिए तो सबने नेताओं ने लिख के दिया जो तुम लिखोगे वो मजबूर है जो तुम लिखोगे वो आप संविधान बनाइए जो फिर तो बचे हमें मजबूर है। आधी दुनिया तो खाली प्राथमिक विद्यालय यासीनपुर विकास खंड जनपद कन्नौज ये यासीनपुर का विद्यालय है। यहाँ देखिए बच्चे लोग आए हैं 26 जनवरी के महोत्सव पे। ये देखो गांव के एक बंदे हैं भाषण देते हुए बाला साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए भाषण दे रहे हैं। ये देखो हमारे गांव के बहुत से परिजन लोग आए हैं अपने अपने बच्चों को लेकर के सर्दी का टाइम चल रहा है। ये देखो अपने बच्चों को लेके आए हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं बहुत उससे आए हैं 26 जनवरी के महोत्सव में बेचारे डंडा लेके पकड़ के आए हैं। ये हमारे फूफा श्री हैं। हाँ ये हमारे फूफा श्री हैं डंडा लेके आए जा रहे बताओ 26 जनवरी के महोत्सव में सर्दी के टाइम पर। हर एक बंदे को जुनून है यार 26 जनवरी का यार। ये देखो हमारे टीचर लोग खड़े हैं टीचर महोदया सब लोग टीचर और मैडम ये हमारे गांव के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में। ये देखो कुछ लोग गांव से आ रहे हैं चल चल के बहुत अच्छा माहौल है यासीनपुर का यासीनपुर सर्जनी पर। ये देखो प्राथमिक विद्यालय यासीनपुर प्राथमिक विद्यालय यासीनपुर विकास खंड जनपद कन्नौज ये हमारा झंडा फहराया हुआ है। ये हमारे गाँव के जितने लोग हैं हमारे गंदे मिलने बच्चे भी आए हमारे गाँव के जितने लोग हैं सभी लोग बैठे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए कि चाचा मेरे पिता के प्राण बचा लो। अरे चाचा तुम मेरे प्राण बचा पिता के बचाओ। बाबा साहब बोले भैया हमारे पास क्या है हम तो अछूत हैं हमारे पास प्राण बचाने की क्या चीज है। कि नहीं तुम्हें हम तुम्हारे आरक्षण देंगे तुम्हारी गुलामी सब कुछ छुड़वाएंगे। काले बेटा तुम्हारे को सी नहीं बात बाबा साहब भी कई महीने एक तो जो कर पाएंगे बच्चों। बाबा साहब ने कही हमारे बस की कोई बात नहीं ना हम उनकी जेल बचा पाएंगे। कस्तूरबा गांधी कब तक सूरज चांद रहेगा अल्लाह हाफिज़।